सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शेख नईम, आप देख रहे हैं ओनली टेक्निकल इन हिंदी। जैसे कि दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक अकाउंट लेट कैसे करें। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के जान ही लिया होगा कि हम किस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर, आपको समय पहले यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जो 3 लाइन दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। इस पर आपको सिंपली तरीके से क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद जो नीचे सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डीएक्टिवेशन एंड ये डिलीशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछता है, डीएक्टिवेट अकाउंट और यहाँ पर डिलीटेड अकाउंट। डिलीटेड अकाउंट, जैसे कि आपको हमेशा के लिए फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ डिलीटेड जो फेसबुक अकाउंट है वो हमेशा के लिए डिलीट कैसे करें, तो इस पर मैं सिंपली तरीके से क्लिक कर लेता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन पर। उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर कौन सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ माई अकाउंट हैज़ हैक, है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन खुल चुका है, उसके बाद में नीचे आपको दिखाई दे रहा हूँ कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन। इस पर आपको सिंपली तरीके से दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर इसका जो भी है, जो भी आपने डाटा वगैरह इसमें किया है फेसबुक में, उसको पूरा दिखा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, बट हमें अकाउंट को डिलीटेड करना है, तो आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीटेड अकाउंट। इस पर आपको सिंपल तरीके से दोस्तों क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अब मेरा पासवर्ड मांग रहा है और मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरा पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है। यहाँ पर आप मुझे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर बोल रहा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। इसका मतलब है दोस्तों कि हम परमानेंट के लिए यहाँ पर अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे की साइड में दोस्तों दिखाई दे रहा, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं जैसे कि इन्हें इसके बारे में लिखा है। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमें अकाउंट को डिलीट करना है, आपको नीचे के साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिलीटेड अकाउंट। इस पर हमें नॉर्मली तरीके से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो अकाउंट था फेसबुक अकाउंट, वो डिलीट हो चुका है। हाँ देखिए दोस्तों, आपको जो वीडियो है, देखिए दोस्तों वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है या फिर आपसे नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आपको दोस्तों कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।